बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेबरी ब्रदर आजम आपकी खिदमत में हाजिर है। तो सब मुसलमानों को पहला रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज अफ्तारी का अल्हम्दुलिल्लाह टाइम हो गया। तो आज दोस्तों की फरमाइश पे मैंने जो है ना दोस्तों ने बहुत कमेंट करते थे कि यार पहला रमज़ान है, रमज़ान में कुछ करारी चीज़ होनी चाहिए। तो मैंने आज जो है ना वो आलू पालक के पकौड़े और साथ बैंगन फ्राई उसको ब्रीक से लेस से मैं काट के उसको फ्राई करूँगा। तो करते हैं शुरू, क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर रख दिया तो गर्म हो गया। तो टाइम भी बहुत शॉर्ट है, इसलिए चीज़ें मैंने जो है ना वो सारी तैयार करके रख ली हैं। ये देखिए, ये बैंगन को मैंने ब्रीक शेप में काट लिया, तो इसको बेसन वगैरह लगा लिया सब कुछ। और ये मैंने आलू पालक और बेसन के जो पकौड़ियाँ बनानी हैं ये मसाला तैयार कर लिया। वक्त बहुत कम है तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी जो है ना सारा काम रेडी कर लिया। तो करते हैं शुरू। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घी बिल्कुल गर्म हो गया। तो सबसे पहले ये बैंगन के जो हमने लेस करा जो पीस काटे हैं इसको फ्राई कर लेंगे। बैंगन लेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, तो बहुत ही क्रंची होती है। और इनकी साइड जो चेंज कर लेंगे, उतनी देर तक पकाएंगे जितनी देर तक इनका रंग चेंज नहीं हो जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैंगन जो लेज है बिल्कुल तैयार हो गई है। बैंगन पकौड़ा भी कह सकते हैं आप इसको। बिस्मिल्लाह। और ये बहुत ही क्रंची बनती है। पहला रमज़ान था आज, मैंने बोला थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी बिल्कुल बैंगन चिप्स बिल्कुल तैयार हो गई है। बैंगन पकौड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो गया। तो अब निकालते हैं पकौड़ियाँ। ये रेसिपी पहले भी मैंने एक दफ़ा फ्रेंड की फरमाइश पे अपलोड की है। तो आज पहला रमज़ान है, मैंने बोला चलो अफ्तारी के लिए तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो अब हम बनाएँगे पकौड़ियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये पकौड़ियाँ भी बिल्कुल तैयार हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, देखने में ही बड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रही हैं करारी। बताऊंगा तो आप अफ्तारी के बाद ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पकौड़े बिल्कुल तैयार हो गए माशाल्लाह। ये निकालते हैं। तो इसी तरह दूसरे भी निकाल लेंगे।
उनको जितनी देर तक जूस की साइड से गोल्डन नहीं हो जाते, रेड नहीं हो जाते, इतनी देर तक इसको पकने देंगे अच्छी तरह। अब इनकी साइज जो है वो चेंज कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। आप भी ज़रूर अफ्तारी में अपने घर ट्राई करें, और अगर ये रेसिपी बनाते हैं तो हमें ज़रूर इनमें बताइएगा। ये हमारे जो है ना, ये रमज़ान पकौड़ियाँ कैसी बनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकौड़े बिल्कुल तैयार हो गए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इनको अब रख लेते हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये बताएंगे कैसे लगे।